ऑफ एल्केन्स। फर्स्ट प्रिपरेशन इज बेटे वी हैव ऑलरेडी डन इन द बीटा एलिमिनेशन, ठीक है। अगर आपने एलिमिनेशन घर जाके पढ़ी हो तो ये बीटा एलिमिनेशन टाइप ऑफ द रिएक्शन है, ठीक। एंड ये बेटे क्लास 12 तक कंटिन्यू रहती है इन द प्रॉपर्टीज ऑफ हेलो एल्केन्स। ये इवन 12th बोर्ड एग्जाम में भी ये क्वेश्चन होता है, ठीक है। जो यहाँ पे एल्कीन की प्रिपरेशन करने जा रहे हो वो जब आप क्लास 12th में हो गए तो हेलो एल्केन की प्रॉपर्टीज में आएगी, ठीक है। ये एक तरह की एलिमिनेशन रिएक्शन है, तो हम हेलो एल्केन्स में जब एलिमिनेशन रिएक्शन पढ़ेंगे तो उसकी एक प्रॉपर्टी होगी। जैसे अब आप डिफरेंट टाइप ऑफ एल्केन की रिएक्शन करी तो कौन कौन सी करी, सब्स्टिट्यूशन, ऑक्सीडेशन, एरोमेटाइजेशन, ये करी आपने, आइसोमेरिज्म। वैसे ये एक प्रॉपर्टी होगी हेलो एल्केन की, ठीक है। इस रिएक्शन को अच्छे से करना है। सो यू हैव दिस एल्केन, हेलो एल्केन, ठीक है। सो इट इज अ प्रिपरेशन फ्रॉम हेलो एल्केन, राइट डाउन फ्रॉम एल्केन, हेलो एल्केन्स। हेलो एल्केन को क्या कहते हैं और एल्काइल हैलाइड्स, तो क्या नेम है इसका, नेम बताओ, इथाइल क्लोराइड और क्लोरोइथेन, ठीक। इट इज अ क्लोरोइथेन और इथाइल क्लोराइड, ओके। सो इसमें हम एलिमिनेशन एक्शन करेंगे। प्रिपरेशन की ब्रैकेट में लिखो, जहां पे एल्काइल हैलाइड लिखा है उसकी ब्रैकेट में लिखो बीटा एलिमिनेशन करेंगे। वी विल डू बीटा एलिमिनेशन, सो यू विल टेक एल्कोहलिक KOH और NaOH, जो भी हो कुछ भी ले सकते हो, आपने स्ट्रॉन्ग बेस लेना है। एग्जाम में कभी कभी कंप्लीट द रिएक्शन आती है तो वहां पे KOH भी लिखा सकता है, NaOH भी लिखा सकता है, ठीक है। बोथ आर स्ट्रॉन्ग बेसिस। अब ये बेस क्या करेगा बेटे, यहाँ पे जाएगा OH नेगेटिव 24, और यहां से ये H पॉजिटिव निकालेगा। जब ये निकालेगा तो ये बॉन्ड यहां शिफ्ट होगा और ये Cl को इधर से निकलना पड़ेगा, क्योंकि कार्बन की टेट्रावेलेंसी डिस्टर्ब होती है, ठीक है। तो HOH ने क्या किया, ये H पॉजिटिव निकालना, तो इट इज एक्टिंग एज अ बेस हियर। बेस क्या करता है, H पॉजिटिव के साथ रिएक्ट करता है। अब जब H पॉजिटिव निकालेगा तो ये वाला बॉन्ड ये यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा, तो कार्बन की वैलेंसी कितनी है, 1, 2, 3, 4, अगर यहाँ पे डबल बॉन्ड आएगा तो यहाँ से क्या हो जाएगा, Cl बार। यहाँ पे क्या हुआ, कुछ ऐड नहीं हुआ, कुछ सब्स्टिट्यूट नहीं हुआ, सिर्फ एलिमिनेट हुआ, ओके। सो यू गेट हियर एल्कीन, यू हैव बेटे प्रोपाइल क्लोराइड, जस्ट प्रोपाइल क्लोराइड लिखो। चलो टू क्लोरोप्रोपेन लिखो, दोनों लिखो, वन क्लोरोप्रोपेन एंड टू क्लोरोप्रोपेन। वन क्लोरोप्रोपेन एक मॉलिक्यूल बनाओ, टू लाइन छोड़ के दूसरा मॉलिक्यूल बनाओ, टू क्लोरोप्रोपेन KOH के साथ। तो आपने जहां पे क्लोरीन लगा है उसकी सात वाली कार्बन से हाइड्रोजन हटाना है और क्लोरीन को भी रिमूव कर देना, करो। आप बनाओ प्रोडक्ट क्या बनेगा, आप यही करोगे। आपने ये करना है जहां पे क्लोरीन लगा है
वो तो रिमूव हो गई, वो होगा सात वाला जो भी कार्बन है, अगर टू क्लोरोप्रोपेन है तो सात वाला एक कार्बन उठाना है, जो मर्जी, चाहे इधर वाला ले लो चाहे इधर वाला ले लो, ठीक है। उसका हाइड्रोजन निकाल लो, जिसके ऊपर क्लोरीन लगे उसका क्लोरीन निकाल लो। प्रोपेन वन नहीं, प्रोप वन ए, दोनों का सेम प्रोडक्ट है। देखो फिर दोनों टू क्लोरोप्रोपेन भी लेना है, वन क्लोरोप्रोपेन भी लेना है, दोनों का प्रोडक्ट बनाओ, क्या बनेगा? वाटर प्लस केसीएल। चलो अब टू क्लोरोप्रोपेन को बना लो, इस खुशी में एक रिएक्शन होगी तो खुशी होगी ऑर्गेनिक की। चलो बस जो कार्बन के साथ ये वाला और ये वाला दोनों अल्फा होते हैं, कोई फर्क है फर्स्ट और सेकंड प्रोडक्ट में? अच्छा रोल नंबर टू, मैंने एक आपको ये वाला बोला बेटे, ठीक है, फिर मैंने ये आपको बोला, ठीक है, इसमें आपने Cl यहां से निकाला, H यहां से निकालोगे तो वन प्रोप वन इन बन गया, बन गया, इधर से Cl यहां से निकल गया, हमारी मर्जी हम H यहां से निकाले, हम हमारी मर्जी H यहां से निकाले, क्योंकि दोनों अल्फा हैं, दोनों अल्फा हैं। जो भी कार्बन इस कार्बन के साथ लिंक्ड है, दिस इज योर विश, आप जहां मर्जी से एच निकाल सकते हो, क्योंकि दोनों कार्बन एक जैसी नजर आ रही है, दोनों ही हाईएस्ट है। आप इन दोनों में डिफरेंस बताओ, अगर इधर से देखो तो डिफरेंस लग रहा है या इधर से डिफरेंस लग रहा है, किस लग रहा है किसी एंगल से? तो यहां से अगर मैं हाइड्रोजन रिमूव कर दूं मान लो, तो यहाँ डबल बॉन्ड आ जाएगा, अगर यहाँ से हाइड्रोजन रिमूव कर दो तो यहाँ डबल बॉन्ड आ जाएगा, यही होगा कि नहीं होगा? तब भी प्रोप वन ईन है, फिर भी प्रोप वन ईन है, तो चाहे आपने प्रोप टू टू क्लोरोप्रोपेन लिया है, चाहे आपने वन क्लोरोप्रोपेन लिया, आंसर वही है। देखो अगर वन क्लोरोप्रोपेन लिया तो डबल बॉन्ड यहाँ आया, डबल बॉन्ड यहाँ आया, अगर टू लिया तो डबल बॉन्ड हमारी मर्जी हम यहां दिखा दें, तब भी प्रोप वन ईन है, अगर डबल बॉन्ड यहां लगा दोगे तो काउंटिंग इधर से करनी शुरू कर दोगे, तब भी प्रोप वन ईन है। तो ये भी प्रोप वन नीन है, तो ये भी प्रोप वन नीन है, यही हुआ ना, हो गया। चलो अब बनाओ टू क्लोरोब्यूटेन, अब बनाओ क्या प्रोडक्ट बन रहा है, वही एलिमिनेशन एक्शन कर रहे हो, टू क्लोरोब्यूटेन। अब अपनी अब देखो यही तो मैं पूछना चाहती हूँ आपसे, कहाँ से निकालोगे? आप निकालो जो आपकी इच्छा करे, मुझे आंसर बताओ क्या निकाल रहे हो? टू क्लोरो ब्यूटेन, क्लोरीन और हाइड्रोजन निकालना है, हाइड्रोजन सात वाले कार्बन से निकालना है। अब आपके पास दो सात वाले कार्बन है, एक सी एच टू वाला, एक सी एच थ्री वाला, अब जिसके से मर्जी निकालो, आप आंसर बताओ मुझे, फिर मैं आपको आंसर बताऊंगी। आंसर बताओ बेटे, नेमिंग करो, ऐसे नहीं बताना, क्योंकि हमने कन्वर्जन देनी है, तब आपको नेमिंग तो आनी चाहिए।
अच्छा ब्यूट वन ही और कोई ब्यूट टू ही और कोई दोनों ही बनेंगे दोनों बनेंगे मेजर ब्यूट टू इन बनेगा. अब ये समझो क्यों ठीक है. जब हम यहां से क्लोरीन निकालते हैं तो H जब इधर से मान लो ये A पाथ है कि H यहां से निकलना दिस इज A पाथ ठीक है. जब H यहां से निकलेगा और सी एच यहां से निकलेगा डबल बॉन्ड यहां पे आएगा तो यू विल गेट ब्यूट टू इन. ठीक है. अब अगर बी पाथ फॉलो करें कि हम एच ये वाला निकालें ये वाला तो आपका क्या निकलेगा ब्यूट वानी ठीक है. वन रूल इज कॉल्ड सेट्स ऑफ रूल यू विल डू इन क्लास 12th ऑल्सो सेट्स रूल which says highly substituted alkene is more stable. Highly substituted alkene is more stable. So the major product in this elimination is highly substituted alkene. Now why highly substituted alkene is very stable? Let us see. What is highly substituted alkene? Let us see that also. हम समझाते हैं बेटे आपको हाइपर कंजुगेशन में बोला गया है पर हमें याद नहीं रहता. ये एल्कीन है यहां पे CH3 ग्रुप है इधर सब्स्टिट्यूशन है. सब्स्टिट्यूशन कहते हैं जो साइड में लटक रहा हो उसके सब्स्टिट्यूशन कहते हो. यहां पे सब्स्टिट्यूशन है ये एल्कीन है ये एल्कीन है इधर सब्स्टिट्यूशन यहां ही है ठीक है. तो ज्यादा सब्स्टिट्यूट क्या है ये वाली. अब ये स्टेबल क्यों है क्योंकि इसके ज्यादा हाइपर कॉन्जुगेटेड स्ट्रक्चर बनेंगे बेटे. सब्स्टिट्यूशन का मतलब है आर ग्रुप कितने लगे हैं आर 1 2 3 4 ये हमने नहीं देखना कि डायरेक्टली अटैच कितने एक ही काउंट करते हैं. अब ये जो डायरेक्टली अटैच है कार्बन इसके पास कितने हाइड्रोजन है 3 इधर भी कितने हैं 3 टोटल हाइपर कॉन्जुगेटेड स्ट्रक्चर कितने बन जाएंगे 6 याद है हाइपर कॉन्जुगेशन करी थी. ये यहां पे जाएगा ये हाइड्रोजन अगर यहां है तो ये शिफ्ट यहां होएगा और ये आगे जाएगा. इधर कितने हैं सिर्फ 2 जो डायरेक्टली अटैच है तो कितने हाइपर कॉन्जुगेटेड स्ट्रक्चर बनेंगे 2. ज्यादा स्टेबल कौन सी हुई तो जितनी हाईली सब्स्टिट्यूटेड होती है बेटे उतनी ज्यादा स्टेबल होती है क्योंकि उतने हाइपर कॉन्जुगेटिंग स्ट्रक्चर बनते हैं. आपको बुक्स में सिर्फ एक ही लाइन लिखी हुई मिलेगी The alkene which is highly substituted is more stable. Why? वो समझते हैं कि आपको पता होना चाहिए क्योंकि आपने GOC में पढ़ लिया और बताया भी गया था बेटे. तो GOC इसलिए पढ़ाई जाती है कि आपको पता हो कि highly substituted alkene इसलिए stable है क्योंकि उसमें ज्यादा hyper conjugating structure बनेंगे. Got it? समझ आ रही है. जैसे 2,4 डाइमिथाइल ब्यूट टू इन बनाओ जरा. डाइमिथाइल ब्यूट टू इन टू फोर डाइमिथाइल ब्यूट टू इन
बन गया। अब सी डबल बॉन्ड ओ के अराउंड देखो, बीच में ना एक अपने आप स्क्वायर बनाओ, सी डबल बॉन्ड ओ, सी डबल बॉन्ड सी में, एल्कीन में एक स्क्वायर बना दो, बना दिया एल्कीन को स्क्वायर में ले लो, कर लिया, सी डबल बॉन्ड सी आ रहा होगा, आ रहा है, उसको स्क्वायर में लो, तभी आपके दिमाग से लाते हैं ऑर्गेनिक में। और जो आसपास आपने, मैंने क्या बनाने को बोला है, ब्यूट 2,4 डाइमिथाइल ब्यूट 2-ईन, पहले ब्यूट 2-ईन बनाओ, बन गया, फिर 2 और इसका नहीं बना अभी तक, ये एल्कीन बना के बैठा हुआ है। हाँ 2 और 4 पे, सॉरी 2 और 3 पे लगाओ मिथाइल, 2 और 3 पे लगाओ, हाँ। अब एल्कीन को आपने स्क्वायर ब्रैकेट में लिया हुआ है, अब एल्कीन के अराउंड कितनी सब्स्टिट्यूशन है देखो, 4 है, कितने हाइपर कॉन्जुगेटिंग स्ट्रक्चर बनेंगे, 12, फिर क्या होगी, स्टेबल, समझ आ रही है। अब बनाओ ब्यूट, नहीं रुको एक मिनट, 2-मिथाइल ब्यूट 2-ईन, 2-मिथाइल ब्यूट 2-ईन, अब एल्कीन को स्क्वायर ब्रैकेट में ले लो, कितने हाइपर कॉन्जुगेटिंग स्ट्रक्चर बनेंगे, समझ आ गई सब्स्टिट्यूशन क्या। अगर मैं बोलूं पेंट 2-ईन, कितने एल्कीन को स्क्वायर ब्रैकेट में ले लो, पेंट 2-ईन, पेंट 2-ईन, अब एल्कीन के जो आसपास कार्बन है उनके पास कितने हाइड्रोजन है, एक के पास 3 है, बिल्कुल जो साथ में लगा है, और दूसरी पास कितने है, तो कितने हाइपर कॉन्जुगेशन, 5। तो इसका मतलब ये 2-3 डाइमिथाइल ब्यूट 2-ईन से भी कम स्टेबल है, इसकी सब्स्टिट्यूशन कम है, समझ आई, हाईली सब्स्टिट्यूटेड का मतलब क्या है। अब नेक्स्ट है प्रिपरेशन फ्रॉम वेसिनल डाइहैलाइड्स, ये थे मोनोहैलाइड जो अभी लिया हमने, दैट इज मोनोहैलाइड। इस रिएक्शन को बेटे ऐसे ही याद करना है, जितनी हमने अभी रिएक्शन करी है इंपॉर्टेंट है, उतनी इतनी इंपॉर्टेंट नहीं होती, ठीक है, जो अभी आपने की है दैट इज मच इम्पॉर्टेंट, इट विल कॉन्टिन्यू टू क्लास 12th। जब मैं मच इम्पॉर्टेंट बोलती हूँ स्टार लगा लिया करो, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, इवन जेईस के लिए भी इम्पॉर्टेंट होती है रिएक्शंस, ठीक है। दिस इज वेसिनल डाइहैलाइड, वेसिनल डाइहैलाइड होते हैं जब 2 हैलोजन डिफरेंट कार्बन पे लगे हों, जैसे इसे इससे अगर दोनों क्लोरीन यहां लगे हो तो ये जेमिनल हो जाएगा, जेमिनल, जेमिनल डाइहैलाइड, जेमिनल डाइहैलाइड जब आप एक ही कार्बन पे 2 क्लोरीन लगा दोगे, जैसे 1,1 डाइक्लोरो इथेन, अगर 1,2 ये क्या है, 1,2 डाइक्लोरो इथेन, इसे वेसिनल बोलेंगे, ठीक है, इसे वेसिनल बोलोगे आप, ठीक है। अब इसको आपने जिंक के साथ ट्रीट करना है,
जब जिंक के साथ ट्रीट करते हो तो ये वाली जो क्लोरीन है ये अपना बॉन्ड लेके चली जाती है। एक कोई भी आप शो कर सकते हो कि एक लेके जा रही है, तो दूसरी क्या करेगी, देखी जाएगी। तो जो लेके गई है उसके साथ ये लग जाएगी, ये Cl2 बन जाएगा और ZnCl2 बन के बाहर निकल जाएगा, तो आपके पास एल्कीन बन जाएगी। यहां से Cl अपना बॉन्ड लेके गई है, तो ये ऐसे बन गई, ये Cl अपना बॉन्ड लेके गई। अभी तो डबल बॉन्ड आया, उन्हें साइन कितने से कौन पीरियड खेड़ा पीरियड है। एक मिनट ओके। अब आपके पास 1,2-डाइब्रोमोइथेन है ना, आपके पास 1,2-डाइब्रोमोप्रोपेन है, बनाओ, क्या बनाओगे? 1,2-डाइब्रोमोप्रोपेन। अब यहाँ पे ये नहीं लिखेंगे हम प्रेपरेशन करो वैसिनल से, हम कन्वर्जन ही करवाएंगे पेपर में। 1,2-डाइब्रोमोप्रोपेन, चलो बनाओ फिर क्या बनेगा इससे। जिंक से रिएक्ट करो, हीट कर दो। हाँ आपका तो लगेंगे प्रैक्टिकल्स। मतलब जैसे वाली ट्यूबला लगा नहीं था फिजिक्स का, हो गया तो मतलब हमारी केमिस्ट्री का ही लेवल पिछले पिछले फाइल लेके आओगे, जल्दी करोगे। चलो नंबर 2 का बेटा एक बार ही लगा करो, पहले ये लिखो, बात करती हूँ मैं सर से। इस वीक नहीं आ रही, हाँ डाल के आया करो। चलो जल्दी लिखो, अभी क्या आंसर आ रहा है। राइट योर आंसर, ऑर्गेनिक इज नॉट सो इजी। दोनों क्लोरीन निकाल दो तो क्या आंसर आएगा, ब्रोमीन निकाल दो फिर प्रोपवानीन, प्रोप वानीन प्लस जिंक ब्रोमाइड, क्या है इसमें बना 1,2-डाइक्लोरोप्रोपेन, ब्रोमो है 1,2-डाइब्रोमो। हाँ तो दोनों ब्रोमीन निकाल दे, एक ब्रोमीन बॉन्ड देके जाएगी एक लेके जाएगी। You will get prop 1-ene as answer. Now next very, very important reaction again. This will come again in class 12 as the properties of alcohols and even the mechanism will be there in class 12. और ये बोर्ड के एग्जाम में भी आती है, ठीक है। यहाँ पे हम प्रेपरेशन के रूप में कर रहे हैं, वहां पे हम प्रॉपर्टीज ऑफ अल्कोहल के रूप में करेंगे, ठीक है। तो राइट डाउन नेक्स्ट सेक्शन इज डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल, डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल।
इसका टेम्परेचर बेटे बहुत इम्पोर्टेंट है, 443, क्योंकि इससे कम टेम्परेचर हो जाए दैट इज 413, तो एल्कीन नहीं बनते, ईथर्स बन जाते हैं। तो क्लास ट्वेल्थ में जब हम क्वेश्चन करते हैं ये दोनों टेम्परेचर को लेके करते हैं, और ये एग्जाम में पूछा जाता है कि 443 पे क्या बनता है, 413 पे क्या बनता है, तो टेम्परेचर बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो यहाँ पे जो सल्फ्यूरिक एसिड लिया है बेटे, इट इज एक्टिंग एज ए डिहाइड्रेटिंग एजेंट। डिहाइड्रेटिंग एजेंट क्या है? जो वाटर रिमूव कर देगा। अब एल्कोहल है, एल्कोहल से वाटर कैसे रिमूव होगा? एक OH नेगेटिव जाएगी, एक H पॉजिटिव जाएगी। भाई यहां से मैं OH नेगेटिव, मतलब ये बॉन्ड लेके जा रहा है, दिस इज OH नेगेटिव, ये H पॉजिटिव की फॉर्म में जाएगा, तो दिस विल गिव द बॉन्ड, यू विल गेट एल्कीन। डिहाइड्रेट होगी, डिहाइड्रेशन का मतलब क्या है? वाटर का निकलना, किसकी प्रेजेंस में निकाला हमने? डिहाइड्रेटिंग एजेंट की प्रेजेंस में। कौन सा लिया डिहाइड्रेटिंग एजेंट? सल्फ्यूरिक एसिड, 95% होता है, यू फॉर कॉन्सेंट्रेटेड लिख लो, ठीक है। इट इज एट 443 केल्विन, तो फॉर्म एल्कीन, इथीन बनाओ प्लस वाटर बनाओ। इसका मैकेनिज्म, प्रॉपर मैकेनिज्म है, अभी नहीं हम कर रहे हैं, ट्वेल्थ में करेंगे, इतना ही कर लो। कैटलिस्ट कैसे एक्ट करते हैं? ऑक्सीजन के लोन पेयर पे अटैक करते हैं, इसमें कार्बोकैटायन बनेगा, फिर उसके बाद इफ यू वांट टू डू आई कैन राइट। बट इन क्लास ट्वेल्थ से जरूरत है, क्या बेटे? जब आप प्लेटिनम या निकल लेते हो ना, तब आप रिडक्शन करवाते हो, तब आप डीहाइड्रोजनेशन करवाते हो, आप डीहाइड्रेशन नहीं करवाते। डीहाइड्रेशन होता है वाटर का निकलना, डीहाइड्रोजनेशन होता है हाइड्रोजन का निकलना। बना दिया इथीन। अब आपके पास बेटे प्रोप टू ऑल है, प्रोपेन टू ऑल, अपने आप बनाओ एल्कीन, इथीन बना दो साथ में, वाटर बनाओ, बस। अब आपके पास प्रोप प्रोपेन टू ऑल है, हरी अब प्रोडक्ट बनाओ, टेम्परेचर कंडीशन लिखी है एरो के ऊपर। अगर एरो के ऊपर कुछ नहीं लिखा होगा जीरो मार्क्स मिलेगा, इस बार तो मैंने आधे नंबर फिर दे दिए। आप कढ़ाई रख देते हो सब्जी और कोई गैस नहीं ऑन करते, बनती नहीं है, अभी पड़ी रहती है। किसके एरो के नंबर सब कटते हैं? ये नहीं, ये तो आपको मैकेनिज्म बता रहे हैं, उसके नहीं कटते, कंडीशंस के कटते हैं बेटे। अगर आपने रिएजेंट ही नहीं डाला, आपने घी नहीं डालना, ना गैस ऑन करिए, सब्जी बनाई जा रहे हो आप, बनाते रहो, है ही नहीं, वैसे ही बड़ी है। आप 4 घंटे बाद देखने आ जाओ, आप 10 घंटे बाद देखने आ जाओ, वैसे ही बड़े। चलो लिखो, अब बना लिया प्रोप टू, और क्या बना है? प्रोप वानी, अगर अच्छा प्रोपेन वन ऑल होता तो प्रोपेन वन ऑल। ये सिर्फ इसलिए करवा रही हूँ कि सिंपल IUPAC भी करनी है, अभी तो डिफिकल्ट की तरफ तभी मूव करोगे। तो ये डिफिकल्ट लग रही है आपको? प्रोपेन वन ऑल, प्रोपेन वन ऑल, सेम बने कुछ भी